आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक के बाद एक नए नए अभियान चला रही है, जिसके तहत बीजेपी अब बॉल पेंटिंग अभियान चला रही है। इस बॉल पेंटिंग अभियान में बीजेपी एक नारा लिख रही है, जिसमें लिखा हुआ है अब की बार 400 पार। बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में प्रदेश के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी ने बकायदा इस अभियान को आगे बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान को तो सही बताया, लेकिन उन्होंने प्रदेश के मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री किसी एक दल या किसी पार्टी के नहीं होते हैं, बल्कि मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। ऐसे में सतपाल महाराज और गणेश जोशी को ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा के हैं, मंत्री भी नारे लिखेंगे। जिस दल ने उनको स्थान तक पहुंचाया उसका सम्मान करना मंत्री का भी कर्तव्य है। अब कांग्रेस के मंत्री लिखते नहीं थे क्योंकि वो अपने आप को कांग्रेस का मानते नहीं थे। देखिए, बहुत ही शर्मनाक दृश्य मैंने देखे। मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, मंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता। और मैंने सतपाल महाराज समेत कई मंत्रियों को देखा कि वो अपने हाथों से वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। भाजपा की सरकार तीसरी बार 400 पार, ये सब लिखा जा रहा है। निश्चित तौर पर वो लिखें, भाजपा के लोग कार्यकर्ता लिखें, लेकिन मंत्री के साथ कैसे बाकी प्रदेश की जनता अपना जुड़ाव महसूस करेगी या बाकी दल के लोग अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि ये संविधान की शपथ लेते हैं जिस वक्त ये मंत्री पद ग्रहण करते हैं। और संविधान कहता है कि मंत्री किसी एक दल विशेष का नहीं होता, तो ऐसे में बहुत ही निचले स्तर का ये मुझे कृत्य दिखाई पड़ता है।